हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज का हमारा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्टेड फंक्शन एंड सॉर्ट फंक्शन ऑफ लिस्ट क्लास। तो आइए शुरू करते हैं इसको। इसको समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये रहा न्यूटन स्कूल का प्लेटफॉर्म, ये उनके लैंडिंग पेज है जहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं। एक बार जब आपने लॉग इन कर लिया तो आपको पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आपको ट्रैक्स और प्लेग्राउंड के ऑप्शंस दिखते हैं। ट्रैक्स पे आप बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं, जिसमें आपको ये वाला कोर्स पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का कोर्स भी दिखेगा, जिसमें आपको सारे वीडियोस के साथ साथ कुछ वीडियोस में आपको असाइनमेंट्स भी दिखेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके। और फाइनली, अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप प्लेग्राउंड पे जाएं और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, जो एक बार आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद फिर जैसे मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यहाँ पर ओपन एडिटर पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोड एडिटर दिख जाता है जहाँ पर आप कोडिंग करके अपने प्रोग्राम को बना के चला के देख सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पर कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन रहते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमको जो समझना है वो है सॉर्टेड फंक्शन और सॉर्ट फंक्शन के बारे में। ध्यान रहे, जो सॉर्टेड फंक्शन है ये बिल्टन मेथड्स में आता है, यानी ये मेथड किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए नहीं है बल्कि सभी सीक्वेंसेस पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी इटरेबल सीक्वेंसेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो चाहे लिस्ट हो, एसटीआर हो या टपल हो, आप बहुत सारे हैं उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सॉर्ट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो केवल लिस्ट क्लास का मेथड है। तो दोनों में फर्क क्या है वो समझाने के लिए पहले तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं, लेट्स से L1, और ये L1 के अंदर मैंने एक लिस्ट रख ली है। सपोज करो इसमें मैंने एक वैल्यू रख ली है 89, एक वैल्यू रख लेता हूँ 65, एक वैल्यू रख लेता हूँ 23, एक वैल्यू 10 रख ली, फिर 45 रख ली, फिर 88 रख ली, फिर 25 रख ली, फिर 37 रख ली। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ रख ली हैं, आई डोंट नो कितनी वैल्यूज़ होगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मुझे सॉर्ट करना है। तो जब सॉर्टेड फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो देखो सॉर्टेड फंक्शन केवल लिस्ट के लिए नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी इटरेबल सीक्वेंस को इसके अंदर पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सॉर्टेड फंक्शन को कॉल करा और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में मैंने पास कर दिया है L1 को। ठीक है, अब सॉर्टेड फंक्शन में एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक तो आपको इसमें सीक्वेंस, इटरेबल सीक्वेंस ही पास करना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ऐसा इटरेबल सीक्वेंस पास करना है जिसके अंदर एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल हो, क्योंकि सॉर्टिंग करने के लिए एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना होता है। मान लीजिए इसके अंदर, अभी तो मैंने सारे इंटीजर्स रखे हुए हैं, लेकिन मान लीजिए इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रख दी, तब स्ट्रिंग और नंबर के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा भाई? कंपैरिजन करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर लगता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर लगेगा। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर्स की मदद से हम कैसे कंपेयर करेंगे उनमें, है ना? तो कई एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें एक एलिमेंट के तौर पर रख दिया, तो वो बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं होगा, तो वहां पर वो एरर देता है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्स कंपेरेबल होंगे तो ही ये सॉर्टिंग कर पाएगा, जैसे कि अभी तो कर पाएगा क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं। दूसरी बात, ये जो सॉर्टेड फंक्शन है ये ऑलवेज रिटर्न करता है लिस्ट, और इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं अभी इसमें लिस्ट पास कर रहा हूं इसलिए वो मुझे रिटर्न करके लिस्ट देगा, ऐसा नहीं है। मैं टपल पास करता तो भी ये लिस्ट रिटर्न करता, मैं str पास करता, स्ट्रिंग पास करता तो भी ये लिस्ट देता, मैं इसमें कोई भी सीक्वेंस पास करता, ये ऑलवेज मुझे सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं इस बात को यहां पर आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, इसका नाम कुछ रख लेते हैं S_L1। ठीक है, S_L1 ये मैंने नाम रख लिया, और इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूं L1 को, ये बताने के लिए कि L1 में सॉर्टिंग नहीं हुई है। मतलब L1 जो लिस्ट है वो अभी भी वैसी की वैसी है, और फिर मैं प्रिंट करवाऊंगा S_L1, ये लिस्ट है और ये सॉर्टेड ऑर्डर में ये प्रिंट हो जाएगी। और फिर मैं ये भी प्रिंट कराऊंगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ S_L1, तो आपको पता चलेगा उसका टाइप है लिस्ट। चलिए मैं इसको रन करके बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है L1 लिस्ट, जो कि जैसे मैंने ओरिजिनली बनाई थी वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब मैंने सॉर्टिंग कर दी है तो L1 में तो चेंजेस नहीं हुए,
ठीक है, सॉर्टिंग के बाद भी L1 में चेंजेस नहीं हुए, लेकिन S underscore L1 नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ उसकी वैल्यू जो प्रिंट करा रहा हूँ तो वो सॉर्टेड लिस्ट दिखा रहा है, और उसका टाइप भी मैं पूछ रहा हूँ तो वो टाइप भी लिस्ट बता रहा है। अब देखिए, अगर मैं ये L1 की जगह इसका नाम रख लेता हूँ T1 और ये बना देता हूँ टपल, ठीक है, अब ये लिस्ट नहीं है, टपल, ठीक है, और इसके अंदर बाकी सब तो सेम ही रहेगा। हाँ, ये T1 कर देता हूँ जो सॉर्टेड फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ, दैट इज़ T1, और यहाँ पर T1, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब मैंने जो सीक्वेंस लिया है वो है टपल, ठीक है, टपल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वैसे भी नहीं हो सकते, लेकिन टपल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सॉर्टेड फंक्शन में जब आपने T1 पास किया तो वो टपल में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, बल्कि टपल के एलिमेंट्स को सॉर्ट करके एक लिस्ट में रख के रिटर्न कर रहा है। तो देखिए रन करता हूं, आप देख सकते हैं कि जो पहला आउटपुट आ रहा है उसमें पैरेंथेसिस चेंज हो गए हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है कि वो टपल है, और उसके बाद फिर मैं एस अंडरस्कोर एल वन की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, वो अभी भी लिस्ट है, इसका मतलब सॉर्टेड फंक्शन हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है, और उसका टाइप भी नीचे मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं सॉर्ट फंक्शन की। सॉर्ट फंक्शन केवल लिस्ट क्लास में है, तो मैं यहां पर वापस से स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं और इसका नाम भी वापस से चेंज कर देता हूं T1 की जगह L1, और अब मैं सॉर्टेड फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं L1 डॉट सॉर्ट, क्योंकि ये लिस्ट का फंक्शन है इसलिए इस तरीके से कॉल करूंगा। अच्छा, ये क्या रिटर्न करता है वो मैंने S अंडरस्कोर L1 में रख दिया, ठीक है, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। और सॉर्ट फंक्शन के कॉल होने से L1 में चेंजेस हो जाएंगे, तो जब मैं L1 प्रिंट करवाऊंगा ना, L1 प्रिंट करवाऊंगा तो उसके अंदर चेंजेस हो चुके होंगे। चलिए अभी मैं रन करता हूं, देखें क्या होता है। तो आप यहां देखें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो ये हुआ कि जब मैंने प्रिंट करवाया तीसरी लाइन में L1 को सॉर्ट फंक्शन चला देने के बाद, तो वो सॉर्ट कर दिया उसने लिस्ट को, यानी ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस हो चुके हैं, L1 में ही चेंजेस हो चुके हैं। तो लिस्ट क्लास में जो सॉर्ट फंक्शन है वो लिस्ट में ही चेंजेस कर देता है, जबकि सॉर्टेड फंक्शन उस लिस्ट में चेंजेस नहीं करता बल्कि नई लिस्ट बना देता है। फिर हमने देखिए चौथी लाइन में क्या किया, एस अंडरस्कोर एल वन की वैल्यू प्रिंट करी जो कि आ रही है नन, इसका मतलब है सॉर्ट फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो वो रिटर्न करता है नन, विच इज अ स्पेशल वैल्यू इन पाइथन, इट्स लाइक नल इन सी सी प्लस प्लस, ठीक है, और उसका टाइप भी देखेंगे तो नन टाइप होता है ना, नन का नन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका टाइप, वो क्लास का नाम क्या है, नन टाइप, ठीक है। तो सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न करता है लिस्ट, जबकि सॉर्ट फंक्शन रिटर्न करता है नन। आई होप आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।